इससे शर्मनाक क्या हो सकता है कि जिस बच्चे को एक माँ ने 9 महीने तक अपनी कोक में रखा, उसी बच्चे को जन्म लेने के 6 महीने के बाद ही गला दबाकर मारने की कोशिश की। ये कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। मामला नीमच का है, जहाँ पर एक माँ ने अपने बच्चे का गला दबाकर फेंक दिया। इस बीच लोगों को लगा कि वो मर गया, लेकिन एक आशा कार्यकर्ता ने जब उसे हिलाया तो मासूम के शरीर में हरकत दिखी, जिसके बाद आशा कार्यकर्ता ने बिना वक्त गवाए उसे अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां बच्चे की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। दरअसल नीमच जिले लक्ष्मी गांव में एक मां ने अपने ही 6 माह के बेटे की जान लेने की कोशिश की। महिला अपने बेटे को मंदिर के पीछे लेकर गई। इस दौरान जिसने भी ये दृश्य देखा हर कोई दंग रह गया। जैसे ही गांव की आशा कार्यकर्ता मंजुला माली को इसकी जानकारी मिली तो वो तत्काल मंदिर पहुंची। उसने बिना वक्त गवाए 108 पर कॉल कर एम्बुलेंस को बुलाया। बच्चे को तत्काल जिला अस्पताल के आईसीयू में भर्ती करवाया गया। वही सूचना मिलते ही पुलिस जिला अस्पताल पहुंची। ये माँ इसी घर से इस बच्चे को ऐसे गला दबाते हुए दौड़ के लेके देवरे पे डाला। तो 5-10 मिनट बच्चा पड़ा रहा, तो गांव वाले समझ गए इसको मार डाला, मर गया बच्चा। वह सब खड़े थे, तो फिर मैं उधर से निकली, मैंने कहा क्यों इकट्ठे हो रहे, तो बोले बच्चा मर गया। फिर मैंने जाते से बच्चे को देखा, उसको पलटी मारी तो बच्चे की सांस चल रही, बच्चा हिलता था, तो मैंने कहा अभी बच्चा जीवित है। तो फिर मैंने जैसे ही बच्चे की सांसें देखी और मैंने 108 को फ़ोन लगाया। 108 को फ़ोन लगाने के बाद फिर मैंने 100 नंबर को फ़ोन लगाया, तो दोनों गाड़ी आ गई। तो 108 जैसे ही आई उसमें मैंने बच्चे को डालने की कोशिश करी, वहाँ से ले जाके माँ इसको दे नहीं रही थी मेरे को, तो मैंने छीना उससे बच्चे को और बालाजी मंदिर पे ले जाके उसके बच्चे ने लेटरिंग भी कर रखी थी उसकी साफ करके, फिर उस बच्चे को उसमें डाला और फिर ऑक्सीजन लगाई। बच्चा तड़प रहा था मछली की तरह, तो 108 में उसको ऑक्सीजन लगाई, ऑक्सीजन लगा के फिर बच्चे को मैं यहाँ लेके आई, यहाँ से फिर ऊपर शिफ्ट करा NRC में बच्चे को मैंने। और बड़ी बच्ची भी बता रही है कि हमको घर में मारा है इसने और चाकू वाकू से भी डराया बच्चे। क्या मतलब गला वगैरह दबाया था? गला दबाया सर, उसके बच्चे के खून निकल रहे पूरे, यहाँ खून से हो रहा था पूरा। तो मैंने किसी का गमछा लिया, उस गमछे में बच्चे को लपेटा और उसका वो गंदगी में फेंका, और फिर बड़ा फटाफट मैंने बच्चे को यहाँ ये कराया और बच्चा अभी जीवित है, थोड़ा गंभीर है। बता दें कि पुलिस ने बच्चे के पिता से बातचीत की, उसके साथ ही माँ से भी पूरे मामले को लेकर पुलिस ने पूछताछ की है। फिलहाल बघाना पुलिस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए नीमच से सिराज खान की रिपोर्ट।